हेलो दोस्तों, गेम रूम बॉय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी ने अभी जो मई में 24 तारीख को जो नई अपडेट दी है उसमें कौन कौन से इश्यूज़ आए हैं। तो सिंपली मैं जी आपको बताना पड़ रहा है कि ये खेद है कि आपके इसमें काफ़ी इश्यूज़ आए हैं और सबसे बड़ा इश्यू है मोबाइल का स्लो चार्ज होना, जो काफ़ी बढ़ गया है। और इसी के साथ ही इस चैनल में मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो प्लीज़ जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन का आपको पता चल जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे मोबाइल को इस अपडेट के बाद इस्तेमाल किया है 3-4 दिन तक, और इसमें इश्यूज़ आया है मोबाइल स्लो चार्ज का। तो प्लीज़ इस इश्यूज़ को चार्ज होने के लिए, इसलिए ये चार्ज इश्यू आ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आपको सिंपली सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पावर सेविंग मोड का ऑप्शन होगा, ये इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद और इसके नीचे एक ऑप्शन होगा ऐप बैटरी मैनेजमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है और सभी ऐप को फोर्स स्टॉप कर देना है। और स्टॉप करने के बाद तो आप सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी के अंदर, फ़ोन बैटरी यूजेज, तो इस पर क्लिक करना है आपको। जो इसमें देखना होगा सबसे ज़्यादा बैटरी कौन खपत कर रहा है, तो हमारे इसमें यूट्यूब खपत कर रहा है, तो यूट्यूब के लिए मैं यहाँ पे इसको फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद सिंपली इसको बैक आ जाना है, सभी ऐप को फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर इसके बाद आपको मोड सेटिंग बैटरी सेटिंग पे आना है, तो इसमें मिलेगा आपको परफॉर्मेंस मोड। तो परफॉर्मेंस मोड में आपको क्लिक करना होगा कि हमारा परफॉर्मेंस हाई करना है या स्मार्ट करना है, तो हमें सिंपली हमें नो परफॉर्मेंस मोड पे क्लिक कर देना है। और हमारा ऐप क्विक फ्रीज़, तो ऐप क्विक फ्रीज़ में आपको किसी को कुछ नहीं करना है, बस इसको नॉर्मल रहने देना है। और ये जो ऑप्शन आपके में अगर इनेबल है तो इसको प्लीज़ इनेबल कर दीजिए, जिससे आपका मोबाइल रात में चार्ज होने के बाद, चार्ज होने के 100% बनने के बाद आपका मोबाइल ज़्यादा चार्ज नहीं कंज्यूम करेगा। तो बस आपको ये सेटिंग करनी है, और अगर आपका फिर भी इसको ठीक नहीं होता है तो आप अपनी नई अपडेट का वेट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले प्लीज़।